काफी लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट 2021 का पेपर जो कि पहले आउट हो जाता है और पीएनपी के जो सचिव थे उनको हटा करके पीएनपी के जो अर्लियर सचिव थे यानी पहले जो सचिव थे उनको फिर से सचिव का कार्यभार दिया जाता है और उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है यूपी टेट 2021 की परीक्षा सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए। यूपी टेट 2021 का जब पेपर सेट होता है और जब अभ्यर्थियों को पेपर दिया जाता है तब और ज़्यादा बवाल उठने लगता है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा हूबहू एज इट इज क्वेश्चन उतार दिए गए थे यूपी टेट 2017 के पेपर से। अब यहाँ पर जब एज इट इज क्वेश्चन उतार दिए गए तो ऐसे जब इनका आंसर की जारी किया गया पीएनपी के द्वारा, तो ऐसे प्रश्न जो कि ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए थे 2017 यूपी टेट वाले मामले में, और ये मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पीएनपी ने अपना आंसर काउंटर फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको आदेश दिया कि आप इसके संबंध में कॉमन या फिर ग्रेस नंबर दीजिए, उस विकल्प को भी पीएनपी ने अपने रिवाइज्ड आंसर की में जगह ना देते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना की थी। मैंने आपको उस समय भी 2021 में जब यूपी टेट हुआ था बताया था कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस उत्तर को लेकर के कॉमन या फिर ग्रेस नंबर देने के लिए आदेश दिया हुआ था, लेकिन पीएनपी ने उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक नया ही अपना आंसर की जारी किया, जिसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट पहुँचा और हाईकोर्ट ने आज दिनांक 5 फरवरी 2024 को कॉमन और ग्रेस नंबर देने के लिए आदेश पारित कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत सारी याचिकाएं हो चुकी थी, जिसमें देख सकते हैं आप मिस प्रगति अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मैटर है, इसके बाद से श्री सत्येंद्र कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मैटर है, इसके अलावा देख सकते हैं श्री राकेश कुमार सरोज वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मैटर है। बहुत सारे पिटिशनर्स थे इसमें और इन सभी पिटिशनर्स ने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, जिसमें से यहाँ पर 4 क्वेश्चन का जिक्र किया गया। यहाँ पर जो भी बातें मैंने आपको बताई उन्हीं सब के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए यूपी टेट 2021 का जिक्र किया गया कि ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और इसमें जो अभ्यर्थी सफल होते हैं वो सुपर टेट या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में सम्मिलित हो पाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप पूरे मैटर को समझेंगे, डिस्प्यूट जो था वो 4 क्वेश्चन को लेकर के था, क्वेश्चन नंबर 8, 25, 35 और 141, जिसमें 8वां नंबर क्वेश्चन जो था वो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये था कि हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम फॉलोइंग्स, जिसमें कैनन का भी नाम था, यंग का नाम था, क्रेसमर का नाम था और स्प्रेंगर का नाम था। तो यहाँ पर जब आप 2017 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन नंबर देने के आदेश दिए थे। कॉमन नंबर कहने का मतलब कि दो विकल्पों को सही मान लिया था, जबकि यूपी टेट वाले मामले में 2021 वाले मामले में इसको लेकर के विवाद था। इसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, ये अलग अलग सेट में आप ब्रैकेट में देख सकते हैं 5, 20, 10 दिया गया है, यानी कि ए वाले सेट में 5 नंबर पे होगा, सी वाले सेट में 20 नंबर पे होगा और डी वाले सेट में 10 नंबर पे होगा, और ये जो क्वेश्चन लिया गया वो बी सेट से लिया गया जो कि सीरियल नंबर 25 पर ये क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें ये पूछा गया था द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज, यानी कि यहां पर इन्फेंसीहुड का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है। तो आप देख सकते हैं इसके संबंध में 0 से 2 साल मानना था पीएनपी ने, और इससे पहले की परीक्षा में वो 0 से 6 साल को भी एक्सेप्ट कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं पीएनपी जो संस्था कई वर्षों से यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करती है वो खुद ही कंफ्यूज थी कि पहले कभी और उत्तर माना है और अभी कुछ और उत्तर मान रही है। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी पर विश्वास करेंगे तो एनसीईआरटी में क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि इन्फेंसीहुड जो एज होता है वो 0 से 2 साल का होता है। खैर ये सब बातें नहीं करेंगे, सुप्रीम माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या आदेश दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हिंदी का एक प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 35 सीरियल नंबर देख सकते हैं आप, जो कि सेट बी के अनुसार था, जिसमें यह पूछा गया था कि आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। तो अगर आप 2017 का मैटर देखेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 उत्तरों को सही मान लिया था, जबकि पीएनपी ने केवल 1 उत्तर माना था। तो इस प्रश्न को लेकर के भी विवाद था, और एक क्वेश्चन था 141 नंबर सीरियल नंबर जो कि सेट बी के अनुसार था, इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, इसमें जो इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का उसमें टॉप कंज्यूमर कौन। यहां पर इन सभी प्रश्नों को लेकर के हाईकोर्ट एग्जामिन करती है, जिसमें 2017 का जो मैटर श्री रिजवान अंसारी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उस जजमेंट का यहां पर जिक्र किया गया है। देखिए यहां पर साफ शब्दों में
कोट ये करिए, हाउ एवर दे हैव नॉट डिनाइड स्पेशली दैट सम ऑफ द क्वेश्चन वर रिपीटेटेड अलोंग विथ सम ऑप्शंस थ्रू इन डिफरेंट ऑर्डर इन एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन एज रेफर टू जजमेंट पास्ट इन मोहम्मद रिजवान। ये सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी यूपी टेट 2017 के मामले में, और चूंकि पीएनपी ने उन्हीं प्रश्नों को रिपीट कर दिया था, और प्रश्नों को रिपीट करने के ये तो भारी गलती थी कि आप किसी एक एग्जाम में बहुत, यहाँ पर एक दो प्रश्न नहीं रिपीट थे, बहुत ज़्यादा ही प्रश्न रिपीट थे 2017 वाले मैटर में, और प्रश्न रिपीट करने तक तो चलिए ठीक भी है, लेकिन उस समय आपने उत्तर दूसरा माना, इस समय उत्तर दूसरा माना, ये मेन प्रॉब्लम थी जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो भी यूपी टेट के संदर्भ में पहले इस वाले मामले में डिसीजन दिया गया है, कई ऐसे कोर्ट ऑर्डर आ चुके हैं जो कि इस प्रकार के, एक तरीके से जो भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है तो वो एक कानून बन जाता है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया कि आप इसका दो उत्तर सही मानिए और पीएनपी संस्था अपनी तरफ से इस बार उसी प्रश्न को रिपीट करके केवल एक ही उत्तर मानेगी, क्योंकि अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड किया गया है 2017 में, जो कि जिसका जजमेंट 2019 में आया था, ध्यान से समझिए, जजमेंट 2019 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए गए मैटर को भी पीएनपी ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया, तो इस वजह से यह मामला चैलेंज किया गया था। उसके बाद से देखिए यहां पर फाइनल जजमेंट या फिर वर्डिट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर हाईकोर्ट साफ तौर पर कह रही है, इन एफोर्सेड सर्कमस्टेंसेज द रीट पिटीशन आर अलाउड इन पार्ट एंड ओनली विथ रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 141 ग्रेस मार्क विल बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स एंड अकॉर्डिंगली It is ordered that fresh result will be declared cure to all petitioners after taking note of grace mark। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और 141 यानी दो क्वेश्चन के संदर्भ में ग्रेस मार्क यानी कि आप कॉमन नंबर समझ लीजिए उसको देने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। अब 141 वाला ये क्वेश्चन था, इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, इसके संबंध में ग्रेस मार्क मिलेगा, और एक क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये वाला कि who describe different types of personality based on grassland from the following। तो ये दोनों मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, इस वजह से इन दोनों के संबंध में हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित कर दिया है कि ग्रेस नंबर दिया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या ये सभी को दिया जाएगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स को दिया जाएगा, जितने भी केस इस मामले से टैग थे उन सब में जितने भी पिटिशनर्स हैं सबको कॉमन या फिर ग्रेस नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 141 के सापेक्ष, बाकी जो इसमें पिटिशनर नहीं है उनको कोई भी कॉमन अंक नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर मैं बता दूं कि इनका रिजल्ट जो है पीएनपी अलग से घोषित करेगी। देखिए यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया इनका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा, मतलब कि अगर ये असफल हो रहे होंगे तो इनको सफल करते हुए, क्योंकि दो कॉमन अंक दिया जाएगा तो सफल होंगे, उसके बाद से इनका जो रिजल्ट जारी करके इनके संबंधित जिस भी डाइट, जिस भी जिले में इन्होंने परीक्षा दिया होगा उस जिले के डाइट पर इनका रिजल्ट भेज दिया जाएगा। तो सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को इस कोर्ट आदेश के बाद से, जो भी अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।